हेलो एवरीवन, आज के पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जिनके ख्यालों को आप रिमूव नहीं कर पा रहे हो, उनके दिल में आपके लिए क्या है, ये कनेक्शन एग्जैक्टली क्या है और आगे इसका क्या होने वाला है, ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। कभी कभी हम जिंदगी में ऐसे कुछ लोगों से टकरा जाते हैं जो हमारे दिलो दिमाग पे छा जाते हैं और हम उस चीज को, उस रिश्ते को समझ ही नहीं पाते हैं। अगर आप किसी ऐसे कश्मकश में हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोज आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने दो अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं, आप लोगों ने इंटेंटिवली अपने ग्रुप को चुनना है। ध्यान रहे कि आप कार्ड्स को नहीं चुनते हो, कार्ड्स आपको चुनते हैं, इसलिए अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखिए। आप लोगों के लिए जो रीडिंग बनी है वो अब तक पहुंचती जरूर है, इसका ध्यान आप लोग रखिए। तो मैं क्लोजअप व्यू दिखा देती हूँ। तो अगर आप लोगों को ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप वन में आते हो। अगर आप लोगों को ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप टू में आते हो। आप लोग अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके भी अपने ग्रुप को चुन सकते हो। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ ग्रुप वन की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ग्रुप टू आपसे मैं मिलती हूँ आपके टाइम स्टैम्प पर। हेलो ग्रुप वन, तो आइए देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप ऐसे किसी पर्सन को सोच रहे हो जिसको आप ख्यालों से निकाल नहीं पा रहे हो, दिलो दिमाग पे जैसे धुन सवार हो उनकी, इस टाइप से ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपको इस पर्सन ने बहुत ही ज्यादा कन्फ्यूजन में डाल रखा हो, ये भी पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो आप लोगों ने जो कार्ड चुने हैं उसको भी देख लेते हैं। आपका जो सबसे फर्स्ट कार्ड है वो क्या मैसेज लेके आया है वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो मैसेज है उसको देखते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों ने अभी इस वक्त थोड़ा सा एक दूसरे को स्पेस देना है, थोड़ा सा ट्रस्ट और फेथ को बनाए रखना है और जो होगा आप लोगों के साथ वो आपके अच्छे के लिए होगा ये सोचना है। यानी कंप्लीट सरेंडर आप लोगों ने करना चाहिए, ये यूनिवर्स आपको यहाँ पे कहना चाह रहा है। कुछ चीजें जो हमारे हाथ में नहीं होती है वो हमने ऊपर वाले पे या फिर यूनिवर्स पे डाल देनी चाहिए। जब हम ऐसे कर देते हैं तब हमारे लिए जो बेस्ट होता है वही हमारे साथ होता है। फिर हमने कुछ भी डाउट्स नहीं आने देने होते हैं, यानी पता नहीं ये ऐसा होगा वैसा होगा क्या ही होगा, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, ये भरोसा जब आपको आ जाएगा तब आपके साथ अच्छा ही होगा, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है कि अभी इस वक्त आप लोग नो कॉन्टेक्ट या मिनिमम कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकता है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनके साथ में इंटरेक्शन उतना नहीं हो पा रहा है या फिर बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। अभी इस वक्त इनको और इस कनेक्शन को स्पेस देना ही आप लोगों के लिए ठीक है, ऐसा भी मुझे यहां पे फील हो रहा है। आप लोगों का जो नेक्स्ट कार्ड है वो क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड फॉर लव ट्रांजेंट स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। तो आपको उनकी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है कि आप लोग फिजिकली दूर हो, यानी हो सकता है कि दूरियां जो है वो इस फिजिकल वर्ल्ड में आप लोग महसूस कर रहे हो लेकिन आप लोगों को कोई भी जुदा नहीं कर सकता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप लोगों का कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है और आपका जो ये स्ट्रांग कनेक्शन है इसकी वजह से आप लोगों को कुछ भी मिसिंग नहीं लग रहा है। यहाँ पे वही हो रहा है आप लोगों के साथ, वो पर्सन आपके सामने तो नहीं है फिर भी आप उनसे जो अटैचमेंट है उसे छुड़ा नहीं पा रहे
रहे हो, या फिर उन्हीं के बारे में आप सोचते रहते हो, या फिर आपको अब भी लगता है कि कुछ तो मिरेकल हो जाएगा और वो लौट के आएंगे। हो सकता है कि उन्होंने आपको कोई क्लैरिटी ही नहीं दी है, कुछ भी कहा नहीं है, कुछ कमिटमेंट भी नहीं दिया है, फिर भी आप लोग उनकी वेट कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो उनकी हायर सेल्फ आपको यही कहना चाह रही है कि आप लोग ऑलरेडी यूनाइटेड हो, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में, यानी इस बर्थ के, जन्म से लेकर डेथ तक की जो जर्नी है, वहां पे आप लोगों के बीच में दूरियां है, और इसी की वजह से आपको नहीं समझ आ रहा है कि आप जो फील कर रहे हो वो सच है, कि आपको जो दिख रहा है वो सच है, आपके दिलो दिमाग की लड़ाई यहाँ पे चल रही हो, ये भी यहाँ पे हो सकता है। यानी आप गिव अप करने के लिए रेडी नहीं हो, लेकिन आपका लॉजिकल माइंड आपको डांट रहा हो, आपको समझा रहा हो कि ये क्या कर रहा है, ये तेरे लिए सही नहीं है, वो इंसान तेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर कुछ तो यहाँ पे दिखना चाहिए अगर इंटरेस्टेड है तो। वैसा कुछ भी नहीं दिखने के बावजूद भी आप इनमें इन्वॉल्व हो और आप खुद को रोक नहीं पा रहे हो, अपने दिल में जो उनके लिए प्यार है उसको आप लोग मिटा नहीं पा रहे हो, यही मुझे यहाँ पे लग रहा है। उनके दिल में भी आपके लिए प्यार है, लेकिन आप लोग कुछ ब्लॉकेजेस के साथ इस बर्थ में मिले हो, इसके वजह से ही कुछ ऑब्स्टेकल्स जो है आप महसूस कर रहे हो। अब आप लोगों के ऑब्स्टेकल्स इस बर्थ में मिट जाएंगे कि आपको और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये आने वाले कार्ड्स देखने के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगी, लेकिन आपका कनेक्शन कुछ तो नेगेटिविटी में घिरा हुआ है, कुछ ऑब्स्टेकल्स फेस जरूर कर रहा है, ऐसा ही गाइडेंस मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अब आपका जो थर्ड कार्ड है वो क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे सोलमेट का कन्फर्मेशन आ रहा है। Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. यानी आपका बिलीव सिस्टम यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है। अगर आप लोगों को भरोसा है अपने इस कनेक्शन में और खुद में, और इनमें अगर आपको भरोसा है तो आप इनको चाहो तो मैनिफेस्ट कर सकते हो, और जो फिजिकल वर्ल्ड में दूरियां आप लोगों को दिख रही है उसे आप लोग मिटा सकते हो, लेकिन आप लोगों का भरोसा अटूट होना चाहिए। ये नहीं कि पता नहीं ये होगा भी कि नहीं, जो हमारे होते हैं, जो हमारे मन में किंतु परंतु होते हैं, वो हमारे मैनिफेस्टेशन को कमजोर बना देते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हम मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे शेयर किया है, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसे जरूर चेक कीजिए, आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए, आपने मैनिफेस्टेशन किस तरीके से करना चाहिए, सही तरीके क्या है, ये सारी अवेयरनेस आपको उस वीडियो देखने के बाद जरूर आ जाएगी, तो आप लोगों उसे जरूर देखना। आप लोगों के बाकी के कार्ड्स क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ कार्ड्स जो है वो मैंने ले लिए हैं, और वो इंसान के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा इफेक्टिव और इम्प्रेसिव हो सकते हैं, वो बातों से दिल जीत लेते हो, जादूगर टाइप के वो मुझे दिखाई देते हैं। हो सकता है कि वो मोटिवेशनल स्पीकर हो, या फिर कई बार ऐसे भी होता है कि वो जो बोलते हैं उससे लोग इंस्पायर हो जाते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं, इस टाइप से उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। वो इंसान अपनी फीलिंग्स को कवर कर रहे हो ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। मैजिशियन का कार्ड हिडन चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इनके हिडन इमोशंस आपके लिए है, वो अपने इमोशंस को कवर करते हैं, या फिर अभी शो नहीं कर रहे हो, सही वक्त आने पे शो करने वाले हो, ये भी यहाँ पे हो सकता है। आपके लिए जो कार्ड आया है वो ये इंडिकेट करता है कि आपको इनके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल एक्सपीरियंस होता है, आप इनको रिप्लेस नहीं कर पाते हो, या फिर कुछ भी हो जाए इनके लिए जो फीलिंग्स है वो कम नहीं होती है आपके दिल में, ऐसा ही गाइडेंस मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन आपके कनेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा हेवी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो इस इंसान की वजह से आप कई बार ब्रोकन फील किए होंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आपको हो गया होगा, बहुत ज्यादा आप रोए भी होंगे, ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। आप इनके लिए तड़पते हो, ये बेसिक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। उनके साइड से भी मुझे ऐसे लगता है कि उनकी कुछ मजबूरियां है जिसकी वजह से आप लोग मिल नहीं पा रहे हो, एक तड़प वाली एनर्जी आपके कनेक्शन में मुझे प्रोमिनेंटली समझ आ रही है। एक दूसरे को दिल की गहराइयों से प्यार करना, बट एट द सेम टाइम एक दूसरे को हासिल नहीं कर पाना, उनके लिए तड़पना,
ऐसा कुछ मुझे आपके कनेक्शन के लिए समझ आ रहा है। तो कुछ अधूरापन है आपके कनेक्शन में, वही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है और ये अधूरापन आपको तोड़ रहा है। अब आपने शायद कंप्लीट सरेंडर कर दिया है, अब आपको लगता है कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, मेरा कुछ काम में मन ही नहीं लग रहा है, जो होगा वो देखा जाएगा, जो यूनिवर्स करेगा वो ठीक है, इस टाइप से आपका थॉट प्रोसेस अब चल रहा है। तो जिस इंसान को आपने दिलो जान से चाहा है उसने आपको जाने अनजाने में दुख जरूर दिए हैं। हो सकता है कि उनके इंटेंशंस गलत नहीं होंगे लेकिन उनकी वजह से आपको हर्ट और तकलीफ मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि आप लोगों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंसेस हो, बहुत ज्यादा फासले हो, या फिर उनकी कुछ मजबूरियां हो जिसके वजह से आप लोग मिल नहीं पा रहे हो और उसी के वजह से एक दूसरे के लिए तड़प रहे हो, ना तो मिल पा रहे हो ना भुला पा रहे हो। ऐसा ही मुझे आपके कनेक्शन का सिनारियो समझ आ रहा है। अब आप लोगों के बाकी के कार्ड्स क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। इस इंसान के दिल में एग्जैक्टली अभी इस वक्त क्या चल रहा है, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। ये इंसान अब से दूर जाने की कोशिशें करता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ये ऐसे दिखा रहा है कि इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, या फिर इनकी तरफ से आपको कुछ भी हिंट नहीं मिल रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि इनके दिल में आपके लिए प्यार है भी कि नहीं, क्योंकि ये आपसे दूर जाने की कोशिशें कर रहे हैं। इनकी कोशिशें रंग लाएगी कि नहीं ये बाकी के कार्ड्स हमको बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इनकी यही कोशिश मुझे दिखाई दे रही है। कभी कभी हम प्यार मोहब्बत से घबरा जाते हैं और जिससे सच्चा प्यार करते हैं उसी से दूर जाने की कोशिशें करते हैं, क्योंकि हमको वो प्यार कहीं ना कहीं डराता है या फिर हमारी उलझने जो है वो देता है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि जिस पे प्यार आता है वो हमारी पहुंच के बाहर होता है और वो रिश्ता बचा के रखने में कहीं ना कहीं हम टूटते हैं। इसके वजह से भी ये दूर भाग रहे हो, अपने फीलिंग से दूर भाग रहे हो, आपसे दूर भाग रहे हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये अभी तो बहुत ज्यादा डिटैचमेंट वाली एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, यानी आपसे रिलेटेड जो इनको अटैचमेंट है उसको छुड़ाने की कोशिशें इनकी दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो कार्ड है वो जजमेंट का कार्ड है। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपका वेल विशर है, दूर जाने के बावजूद भी आपका भला ही सोच रहा है, या फिर इनको ऐसे लगता है कि वो आपके लाइफ में रहे चाहे ना रहे, आप अपनी लाइफ में ग्रो करें, आगे बढ़े, खूब तरक्की हासिल करें, आपके लिए दुआएं करता हो, मैनिफेस्टेशन करता हो, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। और क्या चल रहा है इनके दिल में वो देख लेते हैं। अभी इस वक्त ये जो पर्सन है अपने फर्ज के बारे में सोच रहा है, अपने ड्यूटीज के बारे में, अपने कमिटमेंट, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सोच रहा है। इमोशनल होकर ये डिसीजंस नहीं ले रहे, अपने इमोशंस को साइड में रख रहे हो, ऐसे ही कार्ड्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। अभी इस वक्त ये लॉजिकली सोच रहे हैं, इमोशनल होकर नहीं सोच रहे हो, थोड़े से लोनली भी फील कर रहे हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। कभी कभी कुछ डिफिकल्ट डिसीजन हमको लेने पड़ते हैं, वैसा ही कुछ इनके साथ हो रहा हो ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये किसी चैलेंजिंग सिचुएशन से या तो डील कर रहे हैं, या तो फंसे हैं, या फिर उसको रिजॉल्व करने की कोशिशें कर रहे हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। है तो बहुत ज्यादा सख्त दिल ये इंसान, ये इजिली मेल्ट होने वालों में से नहीं है, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे जो कार्ड आया है वो ये इंडिकेट करता है कि इन्होंने एक बाउंड्री वॉल सेट कर दिया है, जैसे हम नो एंट्री का बोर्ड लगा देते हैं वैसा कुछ इन्होंने किया है। ना आप इनके करीब जा सकते हैं, ना ये आपके करीब आ सकते हैं, ये अपने दिल में किसी को भी आने नहीं देना चाह रहे हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो तकलीफें इनको भी हो रही है बट ये इमोशंस को रेगुलेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इमोशंस को साइड में कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा हमको करना भी पड़ता है, कभी कभी प्यार और फर्ज में हमको फर्ज को चुनना पड़ता है, वैसा कुछ इनके साथ हो रहा हो, उसके वजह से आपको ये बहुत ज्यादा पत्थर दिल लग रहे हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे कोई थर्ड फैक्टर हो सकता है, यानी इनका कोई ब्लॉकेज, इनका कोई चैलेंज, या फिर और कोई सिचुएशन के वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आ गई हो, ये भी यहाँ पे हो सकता है। और क्या मुझे समझ आ रहा है देख लेते हैं। ये जो कार्ड है ये शो करता है कि उनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, सॉफ्ट कॉर्नर है, अभी भी वो आपको चाहते हैं, इस टाइप से ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। यानी वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, आप में एक प्योरिटी है,
आप में एक पॉजिटिविटी है ये एहसास उनको हो चुका है और वो आपके रिस्पेक्ट भी करते हैं। इसका मतलब ये है कि उनको आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके किसी प्रॉब्लम की वजह से वो आपसे दूर जाने की कोशिशें कर रहे हैं। अब ये क्या दूर चले जाएंगे कि लौट के आएंगे ये भी देख लेते हैं। करंट एनर्जीज के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि वो आपके बारे में सोचते क्या है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव वो आपके बारे में सोचते हैं, यानी मुझे ऐसे लगता है कि किसी को हम बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, उसके बारे में पॉजिटिव भी सोच रहे हैं, बट कुछ रीजंस की वजह से हमको उनसे अगर दूर रहना पड़ता है तो जो तड़प हम फील करते हैं वैसा ही वो आपके लिए फील कर रहे हैं। तो आप अकेले ही तड़प रहे हो ऐसा नहीं है, वो भी आपके लिए तड़प रहे हैं। लेकिन उनकी तरफ से कभी कुछ एक्शन दिखेगा, कभी कुछ वो अप्रोच करेंगे या फिर कभी कुछ आपको कह पाएंगे क्या नियर फ्यूचर में, वो देख लेते हैं। बहुत ही ज्यादा हेवी एनर्जी आप लोगों के बीच में मुझे दिखाई देती है और जो कार्ड्स आए हैं उसको देखते हुए मुझे ऐसे लगता है कि थॉट प्रोसेस में तो आप ही आप हो लेकिन एफर्ट्स में आप नहीं हो। यानी फीलिंग्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड और एफर्ट के लिए कुछ भी एक्शन नहीं दिखना या फिर फील बहुत करना बट कुछ करना ही नहीं, इस टाइप से ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये इंसान ना खुद को बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड कर रहा है, दे आर होल्डिंग देमसेल्फ बैक्स, यही प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। मुझे यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है कि उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा शेकिंग मोमेंट हो सकता है। आपसे दूर जाना उनके लिए भी आसान नहीं है बट आप लोगों की जर्नी ही कुछ ऐसी है जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हो नियर फ्यूचर में, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा हीवी एनर्जी है, बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए रेस्टलेस आप फील करोगे बट अंत में होगा तो अच्छा ही कुछ होगा, ऐसे ही कार्ड्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। ये अपने थॉट प्रोसेस में उलझे हुए ही रहने वाले हैं नियर फ्यूचर में, लेकिन एक स्टेप अहेड ये जा सकते हैं। यानी ये या तो आपको अप्रोच करेंगे या फिर अपने दिल की बात कहेंगे या फिर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे जिससे आपको तसल्ली हो जाए, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो इनका एक कैजुअल अप्रोच ही क्यों ना हो, नियर फ्यूचर में इनकी तरफ से अप्रोच जरूर होगा, शायद ही अपना साइड क्लियर करने की कोशिशें करे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आपके लिए ऐसी सिचुएशन में गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं, आपके लिए ऐसी सिचुएशन में करना क्या जरूरी है वो देख लेते हैं, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रहा है वो देख लेते हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर का कार्ड यहाँ पे आया है। तो कई बार आप लिमिटेड होके अगर कुछ सोच रहे हो तो आपको पूरी एनर्जी समझ नहीं आती है। अगर आप कुछ लिमिटेड होके सोच रहे हो तो आपको नहीं समझ आएगा कि ये जो आपके साथ हो रहा है ये क्यों हो रहा है। आपको थोड़ा सा डीपर लेवल पे जाके थोड़ा सा इवॉल्व होके सोचने की जरूरत है। यहाँ पे कुछ प्रीवियस लाइफ के ब्लॉकेजेस भी दिख रहे हैं, उसको हील करने की जरूरत है। जब आप हीलिंग से गुजरोगे तब यहाँ पे यूनियन होगा, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप सेल्फ हीलिंग भी कर सकते हो, आप पॉजिटिव सोचिए, पीसफुल रहिए, ठीक है, इस टाइप से भी आप कर सकते हो। और अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो आप हीलर्स की मदद भी ले सकते हो, सो दैट आप जिनको चाह रहे हो, जिनके लिए तरस रहे हो, उनका साथ आपको मिल जाए। एटलीस्ट हीलर्स आपकी मदद कर सकते हैं, आपके ब्लॉकेजेस रिमूव कर सकते हैं, आपके प्रॉब्लम स्माइल्ड कर सकते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। जो नेक्स्ट कार्ड है वो यही इंडिकेट करता है कि पावरफुल चेंज होने वाला तो है लेकिन आपको थोड़ा सा हौसला बनाए रखना पड़ेगा। और ये उन्हीं के साथ होगा जिनका मन जो है डाउट फ्री है, जिनको बहुत सारे डाउट्स है किंतु परंतु है, ये उनके साथ नहीं होगा, ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो आप लोग डिवाइन कनेक्शन में तो हो, आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में तो हो, लेकिन बहुत सारे ब्लॉकेजेस एक्सपीरियंस कर रहे हो, इनर वर्क के बाद आप लोग मिल पाओगे, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। भले ही आज की तारीख में आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया बट ये एक टर्निंग पॉइंट है और उनके लौट के आने की उम्मीद मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप लोगों के लिए यही गाइडेंस है कि मैनिफेस्ट एंड बिलीव, जो आप सोचोगे वो एक दिन आपकी रियलिटी बन सकती है। तो डाउट फ्री माइंड के साथ मैनिफेस्ट कीजिए, यही आप लोगों के लिए गाइडेंस है। तो ग्रुप वन के लिए इतना ही। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। हेलो ग्रुप टू, तो आइए देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है। आप जिनको ख्यालों से निकाल नहीं पा रहे हो क्या वो आपके बारे में सोच भी रहे या नहीं,
ये सारे ही सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश आज करते हैं। तो आप लोगों ने जो कार्ड चुने हैं उसी के जरिए हम लोग आप लोगों की रीडिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों का जो फर्स्ट कार्ड है वो देख लेते हैं। एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट व्हिच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो आपके कनेक्शन में एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम है, तो या तो इस इंसान ने आपको पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया है, या तो आपको रिजेक्ट कर दिया है, या फिर आपको कोई कमिटमेंट ही नहीं दिया हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप जिसके बारे में सोच रहे हो और जिसके ऊपर आपका पूरा फोकस है, हो सकता है कि वो आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा है, कमिटमेंट नहीं दे रहा हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो इस कनेक्शन को, ये हो सकता है। अब ये नहीं कर पाने के रीजंस अलग अलग हो सकते हैं। जैसे जैसे हमारे बाकी के कार्ड्स ओपन होंगे हम आपको ज्यादा क्लैरिटी दे पाएंगे। अभी फिलहाल के लिए तो एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम मुझे आपके कनेक्शन में दिखाई दे रहा है। आपके जो नेक्स्ट कार्ड से वो भी देख लेते हैं कि क्या है। When it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understandings of life and love. तो यहाँ पे कुछ सही गलत का चक्कर हो सकता है। कई बार ऐसे भी होता है कि हम सही गलत के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और हमको नहीं समझ आता है कि हम जो फील कर रहे हैं वो सही भी है कि गलत। हर इंसान का सही गलत अलग अलग होता है और कभी कभी ये सही गलत के चक्कर में हम कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। हमको लगता है कि जो दिल कह रहा है वो करना चाहिए कि जो सही है वो करना चाहिए। ऐसी कश्मकश में आप लोग उलझे हुए हो सकते हो, या फिर वो पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो उलझा हुआ हो, ये भी हो सकता है। तो शायद ये कनेक्शन उनके सही गलत में फिट नहीं बैठ रहा हो, जिसकी वजह से वो इस कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ये भी यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है वो ट्विन फ्लेम का कार्ड है। योर पैशन इग्नाइट्स का ये कार्ड है। तो आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में रहने के चांसेस है। आप में से सभी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे ये जरूरी नहीं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में होने के चांसेस है। तो हो सकता है कि आप लोगों की पर्सनालिटी सेम हो, आप लोगों के बर्थ डेट सेम हो, आप लोगों के लाइकिंग डिसलाइकिंग सेम हो, या फिर आपको इनसे मिलके अधूरापन नहीं लगता हो, कंप्लीटनेस फील होता हो, इस टाइप से भी हो सकता है। ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो दो जिस्म और एक जान होते हैं। यानी भले ही आप लोग अलग अलग बॉडीज में हो, लेकिन आप लोग एक ही हो। एक ही एनर्जी जब दो हिस्सों में डिवाइड होती है उसको ट्विन फ्लेम्स कहते हैं। ट्विन फ्लेम्स का सबसे बड़ा उदाहरण अगर दू तो राधा कृष्ण जी होते हैं, या फिर शिव शक्ति जो है वो भी ट्विन फ्लेम्स ही माने जाते हैं। यानी उनकी जो एनर्जी है वैसे सिमिलर एनर्जी आप लोगों के बीच में हो सकती है। तो ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी तो होती है, लेकिन ये उतनी ही डिफिकल्ट और रेयर जर्नी होती है। यानी आग का दरिया है और कूद के जाना है, इस टाइप से यहाँ पे ऑब्स्टाकल्स जो है वो होते हैं। अब आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है, कौन से ऑब्स्टाकल्स है, क्या कुछ हो सकता है, वो सब हम धीरे धीरे देखते जाएंगे। लेकिन आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हो और जर्नी आप लोगों की बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकती है, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है कि अभी आप लोग इनिशियल फेज में हो, और कभी कभी ये भी हो सकता है कि आप लोग मिड फेज में हो। मिड फेज में एक पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनर से दूर जाने की कोशिशें करता है, दूसरा पार्टनर गिव अप करने को रेडी नहीं रहता है, उसको चेस करते रहता है, वो भी यहाँ पे हो सकता है। अब आप लोग एग्जैक्टली कौन से फेज में हो, आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है, वो धीरे धीरे जो कार्ड्स आएंगे उसके जरिए मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी। बट मोटा मोटी जो मुझे समझ आया वो ये है कि ट्विन फ्लेम जर्नी का आप लोग हिस्सा हो, जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और एट द सेम टाइम बहुत डिफिकल्ट जर्नी होती है। अब ये इंसान आपके लिए सोचते क्या है, क्या फील करते हैं, क्या चल रहा है इनके दिमाग में वो देख लेते हैं। आपके बारे में इनकी ओपिनियन क्या है वो देख लेते हैं। करंट सिचुएशन के बारे में, उनके बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में हम लोग इसलिए बताते हैं ताकि आपको ये समझ आए कि ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं। अगर आप लोगों की करंट सिचुएशन वीडियो की करंट सिचुएशन से मैच होती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर वो मैच नहीं होती है तो ये रीडिंग झूठी है, ऐसा मतलब नहीं होता है। ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, आप लोगों ने और कोई रीडिंग देखना चाहिए, ये उसका मतलब होता है। लेकिन जो लिमिटेड होके सोचते हैं वो तुरंत
इस रीडिंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, या फिर हमारी जो साइकिक एबिलिटीज है उसके ऊपर लगा देते हैं। खैर, जिसकी जैसी सोच होती है वैसे ही वो सामने वाले को नापता है, ऐसा ही मैं यहाँ पे कहूंगी। जो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे निकल के आया है वो नाइन ऑफ वाटर का कार्ड है, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये कनेक्शन आपको इमोशनल फुलफिलमेंट दे रहा है, या फिर आपको इनसे मिलने के बाद सब कुछ मिल गया इस टाइप की खुशी आपको होती है। यानी आप बस इन्हीं को चाह रहे हो, आप कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो इनके लिए, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है कि बाकी के लोग हैं आपके लाइफ में, लेकिन ये पर्सन जो आपके लिए करता है वो और कोई नहीं कर पाता है, ऐसा लेवल का यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। अब आपके बाकी के कार्ड्स क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। आपके कनेक्शन की एनर्जी क्या है, वो इंसान क्या फील करता है, क्या सोचता है, वो देख लेते हैं। वो पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल रहने वालों में से हो सकता है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस अग्रेसिव नेचर के वो हो सकते हैं, करियर ओरिएंटेड ग्रोथ ओरिएंटेड वो हो सकते हैं, लॉजिकल वो पर्सन होने के चांसेस है। आप बहुत इमोशनल हो, वो बहुत लॉजिकल है, इस टाइप से ही कार्ड्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपके कनेक्शन के लिए जो कार्ड आया है वो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे आप लोग किसी सेलिब्रेशन के दौरान मिले हो, यानी हो सकता है कि आप लोग किसी के वेडिंग में, गेट टुगेदर में मिले हो, या फिर नेटवर्किंग के जरिए, कॉमन फ्रेंड, कॉमन रिलेटिव, या फिर सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों की मीटिंग के चांसेस है। और यहाँ पे कोई थर्ड फैक्टर या थर्ड पर्सन भी हो सकता है, तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो सकता है। थर्ड पार्टी जो है वो अक्सर कोई पर्सन नहीं होता है, ये कोई पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स जो इस कनेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ये वो भी हो सकते हैं, या फिर आप में से कोई लोग कमिटेड हो ये भी यहाँ पे होता है, या फिर ये कोई लोग नहीं होते हैं, वो कोई सिचुएशन होती है जिसकी वजह से आपका जो कनेक्शन है वो इन्फ्लुएंस हो रहा हो, वो हो सकता है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी तो जरूर है, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो देख लेते हैं आपके बाकी के कार्ड्स आपके बारे में क्या शो करते हैं, वो देख लेते हैं। ये इंसान एग्जैक्टली आपके लिए फील क्या करता है वो देख लेते हैं। इनके दिल में भी आपके लिए प्यार तो डेफिनेटली है, कई बार इनको भी मन होता है कि वो आपको ये सारी चीजें बताए, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि इनके डीप डाउन अगर मैं जाके देखती हूँ तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, ये फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है, या फिर एक ऐसा पुल भी हो सकता है जो उन्होंने किसी के लिए भी फील नहीं किया हो। तो आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट और यूनिक इनको लगते हो, या फिर आप जो एक सूदिंग एनर्जी इनको प्रोवाइड करते हो वो इन तक पहुँचती है, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे ऐसे भी लगता है कि ये पर्सन की फैमिली हो सकती है, या फिर आपकी फैमिली हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और हो सकता है कि फैमिली के वजह से ही अब दोनों के बीच में दूरी आती है, तो आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहने के चांसेस है, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। कभी कभी कोई सही पर्सन हमको गलत टाइमिंग पे मिल जाता है, वैसा भी आप लोगों के साथ हो रहा हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये इंसान सोचते हैं कि आप में बहुत ही ज़्यादा एक स्टाइल है, स्वैग है, या फिर आप में भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप बिना डरे अपने दिल की बात कह सकते हो, या फिर आप बिल्कुल डरते ही नहीं हो, ऐसा ही आपके बारे में सोचते हैं। तो आप इनको काफी इंटरेस्टिंग लगते हो, हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें करते हो, या फिर आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, आप सिंगिंग बहुत अच्छी करते हो, ये भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती है। आपकी बातों में इनका दिल जो है वो उलझ जाता है, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और क्या वो सोचते हैं आपके बारे में ये भी देख लेते हैं। आप में ऐसा कुछ है जो इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, यानी हो सकता है कि आपके प्यार करने के तरीके बहुत इंटरेस्टिंग हो, या फिर इनको जैसा प्यार और केयर चाहिए आप बिल्कुल वैसे ही करते हो, ये भी यहाँ पे हो सकता है। कई बार ऐसे भी होता है ना कि हमारे मन में एक काश रहता है कि मुझे क्यों नहीं ये मिला, मुझे क्यों ऐसा प्यार नहीं मिला, वैसा कुछ काश इनके दिल में आपके लिए है, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आपको लेके काफी कुछ ये पॉजिटिव ही सोचते हैं। हो सकता है कि उनको ये लगता है कि कभी कभी आप ऐसा कुछ कह देते हो और फिर बाद में सोचते हो कि ये सही है कि गलत है, तो थोड़े से इंपल्सिव नेचर के आप रहने के चांसेस है, थोड़ा सा पेशेंस और टॉलरेंस आप लोगों में कम हो, ऐसा भी ये आपके बारे में सोचते हैं। और क्या सोचते हैं वो आपके बारे में देख लेते हैं।
आप बहुत ज्यादा टची हो और आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा ही है, आप आपके थॉट प्रोसेस में उलझ के रह जाते हो, ये वो सोचते हैं आपके बारे में, उनके दिल में भी आपके लिए थॉट प्रोसेस है, यानी वो भी आपके बारे में सोचते हैं, बट आप खुद को ना इनके थॉट प्रोसेस में उलझा के रख देते हो। कहीं ना कहीं ये चीज इनको अच्छी नहीं लगती, इनको लगता है कि आपने इस थॉट प्रोसेस से बाहर निकलना चाहिए, रियलिटी फेस करना चाहिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिशें अपनी करनी चाहिए, ऐसा ही आपके बारे में सोचते हैं। और क्या सोचते हैं ये आपके बारे में वो देख लेते हैं। आप इनको बहुत ज्यादा टैलेंटेड लगते हो और एक कंप्लीट पैकेज के जैसे लगते हो, हो सकता है कि ये आपको मैरिज मटेरियल समझते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उनको ये लगता है कि बस आप ही में वो सब कुछ है जो इनको चाहिए। हो सकता है कि इनकी बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें ना हो, या फिर इनके स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई है, बट आप उसको मैच करते हो, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ। तो इनको ऐसे लगता है आपसे मिलने के बाद कि जैसे इनकी तलाश जो है वो खत्म हो गई। कई बार हम हमारे जो सोल होती है ना, वो तलाश रही होती है, ट्रू लव तलाश रही होती है, और जब तक हमको वो मिल नहीं पाता है हम रेस्टलेस फील करते हैं। आपसे मिलने के बाद इनको तसल्ली हो जाती है। ये कार्ड मुझे वो इंडिकेट करता है कि जैसे जमीन और आसमान टिक जाते हैं, बहुत दूर दूर रह के आसमान भी थक जाता है, फिर जमीन को आके टिक जाता है, वैसा कुछ ही आपके लिए फील करते हैं। तो हो सकता है कि अपने ईगो में रहते हैं, अपने स्वैग में रहते हैं, अपने गोल्स पे, अपनी लाइफ पे फोकस करते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये आपको याद करते हो, और आपसे मिलने के बाद इनको कुछ ऐसा मिल जाता है इनको कोई नहीं दे पाता हो, ऐसा कुछ यूनिक आप में है। ये प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, एटलीस्ट इनको तो वैसा लग रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। उनको ये भी लगता है कि आप काफी स्मार्ट हो, यानी आप में एक स्मार्टनेस है, ये भी उनको लगता है। तो आप में टैलेंट है, स्मार्टनेस है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, लेकिन सोचते नहीं हो दिमाग से, जब सोचने की बात आती है तब दिल से सोचते हो, लेकिन आप में दिमाग नहीं है ये उसका मतलब नहीं है। आपका एक लॉजिकल साइड भी है, वो इनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आप में एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो इनको बहुत अच्छी लगती है, और वो जानते हैं कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर कोई ठेस पहुंचाता है तो आप उसको माफ नहीं कर पाते हो। तो एक जो एटीट्यूड है ना आप में, वो इनको बहुत अट्रैक्टिव लगता है। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन ऐसा ही मुझे उनके लिए समझ आ रहा है। और क्या वो फील करते हैं आपके बारे में देख लेते हैं। उनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, आपके वजह से वो थोड़े से प्लेफुल एनर्जी में आ जाते हैं। हो सकता है कि ये काफी सीरियस रहने वालों में से हो, हमेशा ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर फर्ज के बारे में सोचते हो, या फिर काम के बारे में सोचते हो, इस टाइप के इंसान हो, लेकिन आपकी वजह से ये थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं, यंग फील करते हैं, वाइब्रेंट फील करते हैं, आपकी वजह से इनको और ज्यादा अच्छे से रहने का मन होता हो, ये भी यहाँ पे हो सकता है। लेकिन आप दोनों के कनेक्शन में ऐसा कुछ है जो जिसकी वजह से ये यहाँ पे आगे बढ़े कि नहीं बढ़े ऐसा भी सोचते हैं, या फिर ये कनेक्शन में आगे बढ़ने के बाद किसी न किसी को ठेस पहुंचेगी, किसी न किसी का दिल दुखेगा जरूर, ऐसा इनको लगता है। तो आपको लेके ये जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव वो इस कनेक्शन को लेके है, और इसी के वजह से ये किसी नतीजे पे ही नहीं पहुंच पा रहे हो, इसी के वजह से वो इस कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ये भी यहाँ पे हो सकता है। मुझे ऐसे लगता है कि वो आपको लेके सारे ही टाइप का कनेक्शन फील करते हैं, यानी इमोशनल लेवल पे भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हो, फिजिकल अट्रैक्शन भी आप दोनों के बीच में है, और एक स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी कहते हैं वो भी आप दोनों की मैच होती है, यानी बहुत ही अलग लेवल का कनेक्शन आप दोनों के बीच में रहने के चांसेस है। तो वैसा कुछ यहाँ पे है, कुछ अनोखापन आपके कनेक्शन में है, यही मुझे यहाँ पे लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है उसको देखते हुए मुझे ऐसे लगता है कि ये भी अक्सर आपके बारे में सोचते रहते हैं। हो सकता है कि ये शो करते हैं या फिर हाइड करते हैं, लेकिन आपका थॉट इनके सबकॉन्शियस माइंड में रहता जरूर है। ये जब भी अकेले होते हैं, जब भी ये लो फील करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, या फिर कोई ना कोई रीजन के वजह से इनको आपकी याद जरूर आ जाती है, लेकिन वो याद ये दिखाते नहीं है, यानी याद आने के बाद आपसे बात कर ली, कॉल कर लिया, टेक्स्ट कर लिया, ये नहीं करते हैं, ये चुप रहते हैं, साइलेंस
मुझे आपके कनेक्शन में दिखता है। साइलेंट वाली लव स्टोरी भी आप दोनों के कनेक्शन में हो सकती है, यानी बहुत बड़े बड़े बातें नहीं करना है, बहुत बड़े बड़े दावे नहीं करना है, पर चुपके से ही एक दूसरे को अपना समझना है, एक दूसरे के लिए फील करना है, वैसा कुछ है। तो ये इंसान प्यार निभाता नहीं है लेकिन प्यार जरूर करता है। हो सकता है कि ये खुद को रोक रहा हो, या फिर हो सकता है कि इनके पास कोई ऑप्शन ही ना हो, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ग्रुप वन की तरह आप लोगों की जर्नी भी आसान नहीं रहेगी, इनफैक्ट ग्रुप वन से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों की जर्नी रहेगी, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये आप लोग रिपीटेडली एक्सपीरियंस कर रहे हो, यानी आप लोग बहुत जन्मों से ये सेम चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हो, यानी मिलना बिछड़ना आपकी सोल बहुत टाइम से एक्सपीरियंस कर रही है, सदियों से एक्सपीरियंस कर रही है। ये इंसान ऑल ऑफ अ सडन आपको मिला होगा, ऑल ऑफ अ सडन आपको क्लिक हुआ होगा, ये भी हो सकता है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि काफी टाइम से आप लोग एक दूसरे को जानते हो लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ही कुछ एक अवेकनिंग हो जाती है और हमको रियलाइजेशन हो जाता है कि अच्छा तो ये बात है, वैसा कुछ आप दोनों के कनेक्शन में हुआ हो, ये भी यहाँ पे हो सकता है। तो आप लोगों को इनर वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पे कुछ एफर्ट्स दिखेंगे उनके साइड से, आपका कनेक्शन आगे बढ़ पाएगा, स्टक एनर्जी से बाहर निकलेगा, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आउटकम पॉजिटिव तो है लेकिन बहुत मुश्किलों के बाद वो एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, ये गाइडेंस मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अब आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो कार्ड आया है वो बिलीव इन द इम्पॉसिबल का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि ये पर्सन को हासिल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो, या फिर आज की तारीख में बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल लग रहा है। बट आपको यूनिवर्स ये कहना चाह रहा है द गोल यू आर ट्राइंग टू अचीव इज डिफिकल्ट नॉट इम्पॉसिबल, और आपने उस इम्पॉसिबल से सपने में यकीन करना है ताकि आपको वैसा ही रिजल्ट मिले, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप इनकी वजह से बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो और आपको लगता है कि इनको कुछ इमोशंस है भी कि नहीं, लेकिन इनको इमोशंस है, ये अपने इमोशंस को रेगुलेट करना जानते हैं, इसके वजह से शो करते हैं या फिर हाइड करते हो, ये बात अलग हो गई। वो इमोशंस के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, ऑनेस्ट नहीं रह पा रहे हो, ऐसा ही सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और जस्ट बिकॉज आप अपना इमोशनल साइड दिखा रहे हो और ये पर्सन इमोशनल साइड नहीं दिखा रहा है, इट मीन्स ऐसा नहीं है कि उनके दिल में कुछ इमोशंस ही नहीं है। यहाँ पे फीलिंग्स मिरर कर रही है, म्यूचुअल है, आप एक्सप्रेस कर देते हो और वो सप्रेस कर देते हैं, फर्क सिर्फ इतना ही है, लेकिन इमोशंस दोनों के साइड से है, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो काफी इंटरेस्टिंग जर्नी आप लोगों की होने वाली है, और आप लोगों के लिए मैं यही कहूंगी कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जर्नी है, बहुत ही ज्यादा अनोखापन आपके कनेक्शन में है, यानी जो चार लोगों के रिलेशनशिप्स में होता है वैसा कुछ भी आप लोगों के रिलेशनशिप में नहीं है, बहुत ही यूनिक आपका रिलेशनशिप होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोगों ने इनर वर्क करना है, मेडिटेशन से आप लोग स्टार्ट कीजिए, जब आप मेडिटेट करना सीखते हो तब आप इनर जर्नी में और ज्यादा इवॉल्व हो जाते हो और आप फिर इनर वर्क कर पाते हो। तो यहाँ पे बाहर के चेंजेस, एक्सटर्नल चेंजेस से ज्यादा इंटरनल चेंजेस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, और उसकी सबसे पहली रेमेडी जो है वो मेडिटेशन है। मेडिटेशन करना आप लोगों ने सीखना है सो दैट आपको समझ आए, इस कनेक्शन की ग्रेविटी समझ आए, और आप लोगों ने क्या करना चाहिए ये आपको समझ आए, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। जो सवालों के जवाब आप लोग इस वीडियो में ढूंढ रहे हो वो ऑलरेडी आपको पता है, आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोगों ने अपने अपने दिल को टटोलना है और वहां पे जो भी आप लोगों के लिए गाइडेंस है बस उसी को आप लोगों ने फॉलो करना है, ये यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है। तो ग्रुप टू के लिए इतना ही, अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, और मेरी YouTube फैमिली का हिस्सा बनिए। तो ये था मेरा एनालिसिस आज के रीडिंग के लिए, आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, टिल देन बाय एंड टेक केयर।